गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल मैं अभी रिवील करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये रीडिंग किसी तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्टेड होगी, बिकॉज़ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए होगी, और ये नो कॉन्टैक्ट पे बेस्ड नहीं है। रीडिंग का टाइटल है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर वो आपके छोड़ कर जा चुके हैं तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? अगर थोड़े दिनों से आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप हुआ हुआ है या किसी भी तरह का डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, तो क्या उसकी रीजंस हैं और क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं? ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो वीडियो को अभी ही लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिए। और कभी आपको रीडिंग देखते हुए ऐसा लगे कि ये रीडिंग मैं अपनी फ्रेंड के साथ या उसकी लाइफ से भी रेजोनेट कर रही है, तो वीडियो को शेयर कर लिया कीजिए। याद रहे कि ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी रिसेंटली, या तो आप समझ लीजिए कि उनको अपने यूनियन होने पर डाउट है या रीयूनियन होने पर डाउट है, ये रीडिंग उनके लिए स्पेसिफिकली होगी। तो लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। हो सकता है रीडिंग के दौरान हमें ये भी पता चले कि क्या एनर्जीज हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, और उन्हीं की बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं। और अगर कोई भी ऐसा साइन हुआ जिसमें क्लैरिफायर की ज़रूरत होगी तो वो भी हम देखेंगे। एंड में जो है वो मैं येस और नो सेशन भी करूँगी, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा, और साथ में जो है वो मैं एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स कि क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके पास वापस आना चाहते हैं। सॉरी, ओके, द फूल, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, इसका जवाब बहुत सारे लोगों को ख़ुद भी पता है विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड। हाई प्रीस्टेस एक बड़ा ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, या इनफैक्ट उनकी ख़ुद की अपनी लॉजिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, प्रेडिक्शन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो सेंस कर सकते हैं, और शायद आप अपनी सिचुएशन में बहुत क्लियरली जानते हैं कि आया वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। आपके पर्सन फॉर श्योर इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, उन्होंने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया है। वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ कनेक्टेड और एसोसिएटेड हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो जब कभी भी आपकी तरफ अप्रोच करने का सोचते हैं तो उनको अपने डिसीजन में फ्लक्चुएशन नज़र आती है, कुछ डाउट्स नज़र आते हैं, सोचों का खेल है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर हैं उनसे, और आपके साथ रियूनियन में होने के लिए, साथ रहने के लिए, या रिलेशनशिप को उसको पोटेंशियल उसकी मेंटेन करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ ही रहा जाए। ऐसा भी हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करते हुए इसलिए भी घबरा रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपकी ऑफ़र को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया है। यहाँ पर 2222 बहुत सिग्निफिकेंट है। आपके लव ऑफ़र को उन्होंने बहुत रिजेक्ट किया है, उनको ये भी फील हो रहा है कि वो आपके पास आएंगे। क्रॉस रोड्स पर होने की रीज़न एक ये भी है कि अब उनको समहाउ इस बात पर थोड़ा थोड़ा सा यकीन है कि अब वो आपकी तरफ अगर अप्रोच करेंगे तो आप शायद उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें। आप इस वक्त रिलेशनशिप को लेकर क्यूरियस तो हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पास्ट में या रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको पेन कितना दिया है, तंग कितना किया है, परेशान कितना किया है, और आप जो हैं वो उनसे लड़ने या फाइट करने या आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन आप उनकी कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मूड में भी नहीं हैं। इसीलिए फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने में, आपके पास आने में थोड़ा सा डर और घबरा इसीलिए रहे हैं। हार उन्होंने नहीं मानी है, उनको ये पता है कि अगर आप उनके आने का या ना आने का वेट नहीं भी कर रहे, लेकिन आपको मालूम ज़रूर है, उनको भी पता है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं।
आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग पर्सन लग रहे हैं, बहुत सोचते हैं, आप ऐसी बातें सोचते हैं जिनका आप रिज़ल्ट चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको शायद पता चल जाता है बी और जे यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट लेटर्स हैं। आप ये देख लीजिएगा, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का हाउस नंबर हो सकता है, किसी का गाड़ी का नंबर हो सकता है, बट बी एंड जे इज़ समथिंग। आप मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स लग रहे हैं। अगर टैरो रीडर्स नहीं हैं तो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि पार्टनर वापस आएंगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स की जो है वो नीड है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं लेकिन वो क्रॉस रोड पर हैं, कन्फ्यूजन में। अब वो यहाँ पर कन्फ्यूजन में क्यों हैं, हम और डीप जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या वापस आएंगे? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एक कार्ड पॉपअप हुआ है, दो कार्ड इनफैक्ट पॉपअप हुए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, हार नहीं मानी है, जैसे मैंने पहले कहा था हमने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। नंबर फोर और नंबर फोर, आपकी रीडिंग में डबल नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, वो बहुत सिक्योर हुए हैं, पजेसिव हुए हुए हैं, अपनी बातों को आपसे छुपा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई हैव नो आइडिया, आई थिंक मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और मैं सुबह भी आज ये सोच रही थी कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कुछ ऑलमोस्ट 7 to 8 days से आ रहा है। अगर आप लोग मेरी रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग ख़ुद भी नोटिस कर रहे होंगे, किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है। आपके लिए अबंडेंस भी आ रही है, शायद आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है और अभी भी आप इनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे, गिव अप वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, शायद वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें तो शायद वो आपकी तरफ वापस पलटेंगे। लेकिन जब वो वापस पलटेंगे, मुझे नहीं लग रहा उनके पास कोई सॉलिड ऑफर होगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है वो अपने फाइनेंशियल पोजिशन को लेकर बड़े इनसिक्योर हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इस वक्त। गिव अप उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अपनी हर लिहाज से वो कोशिश करना चाह रहे हैं, बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं, बहुत ही एग्जॉस्ट भी हुए हुए हैं, लेकिन समहाउ उनको ये पता है कि चाहे आखिरी हद तक ही क्यों ना जाना पड़े, कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन कोशिश सिर्फ अपनी हद तक कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको बता नहीं कर रहे। आपको बहुत वेट कराया उन्होंने और शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ से अब मूव ऑन कर जाएगा, और ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है। और आपका शायद मूव ऑन करना आपकी लक की साइकिल को चेंज करेगा, आपकी लाइफ में एक डिफरेंट फेज़ आएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि आप बहुत अरसे से जब वेट कर रहे थे तो आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया इनके इंतज़ार में। आप हर वक्त इनकी बातों में आकर, इनके फेक प्रोमिसज में आकर इनका रुकने का वेट करते थे, आने का वेट करते थे, और इनके पास कोई अच्छी ऑफ़र आपके लिए होती नहीं थी और उस दौरान आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, जो कि अब मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और टू ऑफ सोर्ड्स से बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर वॉन्ड्स भी हैं, यहाँ पर सोर्ड्स भी हैं, यहाँ पर फायर एनर्जी भी है, यहाँ पर एयर एनर्जी भी है, यहाँ पर वाटर एनर्जी भी है, और यहाँ पर इत्तेफाक से अर्थ एनर्जी भी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं। तो रीजंस यही हैं, आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए डरते हैं, आते हुए आपके पास डरते हैं। क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं, वो हम और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रीजंस मुझे नज़र नहीं आ रही। बस ये ज़रूर है कि वो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, अब हम रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या रीजंस हैं। एक्सपीरियंसिंग, ओके, लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, लाइफ का कुछ ऐसा लेसन है जो उनको ऐसा मिला है। यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर है, कोई अभी रिसेंटली उनकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा ज़रूर गुजरा है जिससे वो अभी तक संभल नहीं पा रहे। हो सकता है किसी को लूज़ किया हो, किसी को मिस किया हो, कोई फीमेल कैरेक्टर ऐसा ज़रूर है जिसने उनकी लाइफ पर बड़ा ही गहरा असर छोड़ा है। दिस कुड बी अ डॉटर, दिस कुड बी अ वाइफ, मदर, सिस्टर, एक्स वाई जी, एनी बडी,
बट उनके इन्फ्लुएंस की वजह से उनको शायद कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आपके पास आने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। मानते वो आपको बहुत हैं। इनफैक्ट आपकी इंट्यूटिव विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे थोड़ा सा यूं भी घबराते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंस कर लेते हैं उनकी एनर्जी को। ओके, इनोसेंस। ऑल राइट, दे नो वेरी वेल कि आप जो हैं वो हर लिहाज से बड़े प्योर हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप जैसे इसमें ग्रास हॉपर बना हुआ है, आपने ग्रास हॉपर को अक्सर देखा होगा कि वो बहुत देर तक जो है वो बैठा रहता है और एकदम से फुदक कर जो है ना वो अपनी डेस्टिनी पे चला जाता है, अपनी मंजिल पे चला जाता है। तो उनको ये मालूम है कि सिर्फ आपको बुलाने की देर है और आप फुदक के जो है ना उनके पास चले जाएंगे। आप बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही फॉरगिविंग पर्सन हैं, बहुत इनोसेंट हैं आप। उनकी हमेशा की बनाई हुई बताई हुई फेक स्टोरीज़ और बातों में मैनिपुलेशन में आ जाते हैं बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ये वैल्यू करते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए, लाइफ में वापस आ गए। और इस लिहाज से आपको आपका ये जो योनरा है आपकी पर्सनालिटी का, ये जो स्टाइल है, ये जो ट्रेट है ना, जो इनोसेंस है आपकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा। और अब उनको मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे इमीडिएट मैसेज चैनल हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपके पार्टनर ने ये बात फील कर ली है कि आपकी इनोसेंस से जो है वो खेला ना जाए। थोड़ा सा ट्रिकी लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपकी प्योरिटी को, आपकी इनर इनोसेंस को जो है वो मिसयूज़ भी करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपकी इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाया भी हो। तो ये मुझे रीजंस नज़र आ रही हैं। कल भी मेरी रीडिंग में एक गिल्ट की फीलिंग जो थी या गिल्ट की एनर्जी थी, आप कल की रीडिंग ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके अंदर भी ये एक फीलिंग और एक एनर्जी पॉपअप हुई थी। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट फ्यू ईयर्स में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ऐसा ज़रूर किया है जिसमें आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया हो, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आना चाह रहे। अबंडेंस। ऑल राइट, अभी मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में व्हील फॉर्च्यून का कार्ड आया है, आपकी लक बदलने वाली है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने बहुत कट थ्रॉट होकर और बहुत ही मेहनत करके अगर आपने जो है वो आगे बढ़ने का फैसला किया तो आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ों में फुलफ़िल हो जाएंगे। ऑल दो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कितने अरसे से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आए हैं ये आप जानते हैं, और इतने सालों से अगर आप वेट कर रहे थे और आपने अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस किया है, तो आपके लिए यहाँ पर रीज़न सबसे ज़्यादा सॉलिड ये है कि शायद अब आप मज़ीद इंतज़ार करके मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, क्योंकि अबंडेंस आपके वे में बिल्कुल मौजूद खड़ी हुई है। हम एक और रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम दूसरे फैक्टर्स देख कर आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालेंगे। यस, बहुत बर्डनड हुए हुए हैं इस वक्त, या तो आप या आपके पार्टनर बहुत सारे अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए हैं जो कि शायद उनकी है भी नहीं, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है आप तक आने में। और इस वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे या आप तक वापस नहीं आ रहे। वो जब कभी भी आपकी तरफ आने का सोचते हैं, शायद टू ऑफ सोर्ड्स में यही एक फैक्टर है कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों का बर्डन और ऐसे लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाए हुए हैं जो कि शायद अपने ओन पर बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे बिकॉज आपका पार्टनर जो है वो उनका सारा लोड, सारी जिम्मेदारियाँ, सारा बर्डन उठा रहा है। इवन वो अपनी जिम्मेदारियाँ भी उनके ऊपर लादे हुए हैं और अपनी अननेसेसरी लग्जरीज की जिम्मेदारियाँ भी आपके पर्सन पे उन्होंने लादी हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आप तक वापस आने में मुश्किल का सामना उनको हो रहा है। लेट्स सी मोर और क्या रीजंस हैं और क्या फैक्टर्स हैं। अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो और क्या फैक्टर्स हैं। विजडम, आपको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में ही कह दिया था कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको ख़ुद अपनी सिचुएशन का पता है। और यहाँ विजडम का कार्ड आया है, अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं, अगर आप इतना शऊर और इतनी अकल रखते हैं, और आपके साथ मुझे लग रहा है कि कुछ एंजेलिक गाइडेंस और एडवाइजेज और मेंटर्स मौजूद हैं, आपके साथ एक वर्ल्ड एसोसिएटेड है। आप देख सकते हैं कि इसके टमी के साथ जो एक वर्ल्ड एसोसिएटेड है, आपकी एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया को आपने बड़ी समझदारी से बनाया है। तो अगर कोई पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा और अगर आप इतना अकल और शऊर रखते हैं तो आई गेस आपको अपने प्रेशियस ईयर्स मज़ीद ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहरी सी बात है आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते होंगे कि क्या ऐसी चीज़ है। एनलाइटनमेंट,
आपने अपने आप को डेफिनेटली इंगेज किया है इस पूरी जर्नी में, आपने बहुत पेन भी बेयर किया है, लेकिन पेन बेयर करते करते, आजमाइशों से गुजरते गुजरते आपकी इनलाइटमेंट हुई है, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको अंदाज़ा हुआ है कि लाइफ का असल पर्पस क्या होता है। इनोसेंस और इनलाइटनमेंट दोनों कार्ड्स में आप देखें, इनोसेंस रिलेट करती है एक बच्चे से, और बच्चे से इसलिए रिलेट करती है कि उसकी सोल जो होती है वो बड़ी प्योर होती है। तो आपकी इनलाइटनमेंट ज़रूर हुई है, इस जर्नी ने आपको पेन ज़रूर दिया है, लेसन्स ज़रूर दिए, और वो लेसन्स आपकी विजडम में कन्वर्ट हुए हैं, और आपका लाइफ के टूवर्ड्स परसेप्शन बड़ा डिफरेंट हो गया है। लेट्स सी, मैं एक और फैक्टर निकालूंगी और उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, और एंड में हम येस और नो सेशन करेंगे। प्लीज़ गिव अस कार्ड, टेल अस वन मोर कार्ड। ओके, डिस्पेयर नंबर 32, ये कल भी मेरी रीडिंग में आया था। आप आज की और कल की रीडिंग बहुत सिमिलर हो रही है, आप ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, और आज की रीडिंग जो है वो कि वो आपके पास कब तक वापस आएंगे या क्यों वापस नहीं आ रहे। डिस्पेयर, उनको धोखा हुआ है बिजनेस में, जॉब पे, अपने वर्किंग प्लेस पर, यकीनन उनको आजकल बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है। वो प्लानिंग और स्ट्रेटजीज जो है वो सेट कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी इनकम को जो है वो रीगेन करें। हर जगह से उनको जो है वो यू नो नो रिस्पॉन्स का बोर्ड मिल रहा है, नो लिफ्ट का बोर्ड मिल रहा है, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा, हो सकता है हर किसी से मैच ना करें, लेकिन कुछ एक आध लोगों ने ही उनका साथ दिया हुआ है अभी। अदरवाइज़ वो खुद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी सेल्फ एस्टीम खो चुके हैं, और वापस आते हुए हम कुछ और स्टोरी समझ रहे होते हैं। पर्सन को खुद पता होता है, और जब वो हमारे पास वापस आएगा तब हमें अंदाज़ा होगा, जब वो अपनी पूरी स्टोरी बताएगा। लेकिन शुरू में जैसे मैंने कहा था कि वो आपकी इनोसेंस को यूज़ करके कुछ उल्टी सीधी बातें और कुछ फेक स्टोरीज़ करते थे, अब उनके पास जेन्युइन स्टोरी भी है, तो वो ये बात फील कर रहे हैं कि अगर वो आपको बताएंगे तो शायद आप उनके ऊपर यकीन ना करें। बट फॉर श्योर आपके पार्टनर के वापस ना आने का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो अपने फाइनेंशियल ट्रबल में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड पॉप अप हो गया है, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप एक तो नेचर से करीब हो जाएं, और अगर नेचर से करीब नहीं हो तो ये ज़रूर है कि जैसे मैंने इनलाइटनमेंट की बात की थी, इंसान को एक मोमेंट पे ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो जो कुछ हम इस प्लैनेट अर्थ के लिए कर सकते हैं, आप अपना ज़मीन से, मट्टी से, अर्थ से कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, दैट मींस कि नेचर से कनेक्ट हो जाएं। मैं बहुत दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, और जब कभी भी मैं एंजल एडवाइस निकालती हूँ तो नेचर से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा होता है एज एन एडवाइस एंड एज अ गाइडेंस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत बड़ी हीलिंग है। अगर आप अच्छे तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट है, डाइट के लिए कहा जाता है कि आप अपनी रेगुलर डाइट में वो चीज़ें अपनी डाइट का पार्ट बनाएं जो आपसे बहुत दूर होती हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश एंड नट्स, आप नट्स को देखें तो वो बड़े शेल में बन के फिर पॉपअप होकर जो है वो फूटते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर मीट और अवेलेबल चीज़ें लेते हैं, सीड्स और नट्स हम कम लेते हैं। हम नेचर से जितना ज़्यादा करीब होंगे आपकी हीलिंग उतनी ज़्यादा होगी। शायद आप इस जो वेटिंग गेम में हैं, इस वेटिंग गेम की एनर्जी से आप बाहर आएंगे, और आप फिर ये रियलाइज़ करेंगे कि मैं किसी एक पर्सन की वजह से अब तक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करती आई हूँ या करता आया हूँ वो बिल्कुल भी यूज़ की नहीं थी। बिकॉज़ देखें, नेचर से करीब होना, प्लांट्स का जब आप ख्याल रखते हैं तो आप एक लाइफ का ख्याल रखते हैं, और वो लाइफ कल को फल फूल के एक बड़े पौधे में और पौधे से दरख्त में बदलेगी। तो वो एक ज़िंदगी है, और उसकी रूट्स ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ भी फैल रही होंगी वो दूसरी ज़िंदगियाँ दे रही होंगी। तो आप ये देखिए कि अर्थ से कनेक्ट होने के लिए आपके लिए एडवाइस इसलिए आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान का वेट करें जो कि जीता जागता तो है लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं होना पा रहा जा रहा। और दूसरी तरफ आप जब नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे तो एक पूरी दुनिया है, यानी अर्थ से कनेक्ट होने की, नेचर से कनेक्ट होने की एक अलग ही दुनिया है। वो आपकी इंगेजमेंट को बहुत अपलिफ्ट करेगी, यानी आपको रोज़ाना उनकी ग्रोथ का ख्याल होगा, वो आपके सामने फल फूल रहे होंगे, और वो एक ज़िंदा चीज़ है। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि आप इस तरफ बार बार सोचें कि कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे, इट्स बेटर कि आप अपने आप को अर्थ से और नेचर से करीब करें।
वॉक करें, एक्सरसाइज करें, समंदर पर जाएं, पानी को महसूस करें, प्लांटेशन करें, गार्डनिंग करें, व्हाटसोएवर विच कैन हील यू इन अ बेटर वे। तो ये आपकी एडवाइस थी। अब मैं आपके लिए येस और नो सेशन कर लेती हूँ। प्लीज़ अपना क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिएगा, ठीक है, और हम येस और नो सेशन करते हैं। अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी एंड देन आई विल गिव यू द आंसर वेदर इट्स अ येस और इट्स अ नो। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको रीडिंग के दौरान लो कहना ही नहीं पड़ा और येस आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहना ही नहीं पड़ा और कार्ड खुद ब खुद बाहर आ गया। तो ये आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी और मुझे यहाँ पर आप लोग बहुत फुल ऑफ पोटेंशियल और फुल ऑफ टैलेंट नज़र आ रहे हैं। किसी एक पर्सन के इंतज़ार में जो है वो बैठे रहने से अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। जिसने आना है वो खुद आ जाएगा और फिर देखा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।